कितना प्यार मुझ में है, जनता का कितना भरोसा मुझ में है, यही दिख रहा है मुझे। उत्तरदायित्व लेने के लिए मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ, यही सोच के मैं इस क्षेत्र में आ रही हूँ। जनता से यही अपील करूँगी कि आप इसी तरह का प्यार मेरे में दिखाते रहे और मैं आपका भरोसा जीतती रहूं और भरोसा जीत के फिर मैं वापस आपके पास आऊं। देखिए, भागलपुर स्मार्ट सिटी के रूप में चयन हुआ है, लेकिन स्मार्ट सिटी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसका मेन कारण है कि हम जो जिसको प्रतिनिधित्व दिए थे उनको उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन इस बार भागलपुर में एक ऐसे प्रत्याशी को हम लोग चुन के निकाले हैं जो डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्ता है, अच्छे समझ के हैं, अच्छे सोच के हैं। हम लोग डॉक्टर वसुंधरा लाल जी के साथ हैं और आने वाला जो 28 दिसंबर होगा, डॉक्टर वसुंधरा लाल जी को मैं आपके मन से बोलना चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा, जब EVM खुलेगा तो भागलपुर में इनके आगे इनके पीछे बहुत दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा। इसलिए यहाँ लाखों लाख वोट भागलपुर में मेयर के रूप में डॉक्टर वसुंधरा लाल जी को देने का कार्य भागलपुर की जनता अपनी चट्टानी एकता को दिखाते हुए देने का कार्य करेंगे। आप इनका मैनिफेस्टो पढ़िएगा, इनकी सोच देखिएगा, ये ऐसे ऐसे विषय को लेके आए हैं, जब ये जीत के आएंगे समाज का रूप बदला नजर आएगा। ये जो आप देख रहे हैं कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं था, हम विगत 6 महीना से देख रहे हैं यहाँ रोड कोड़ा हुआ है, यहाँ रोड कावाड़ा हुआ है, यहाँ नाली जाम है, लेकिन कोई नेतृत्व करने वाला ऐसे हम लोग चुन लिए थे, क्योंकि हम लोग खुद अफसोस कर रहे हैं कि 5 साल में ऐसे व्यक्तित्व को चुन लिए थे कि हम लोग उसका प्रतिफल भोग रहे हैं। वो 5 साल जो हमारे यहाँ से जीत के गई, उसके बाद मुड़ के नहीं देखी, सिर्फ उसको एक ही घर दिखाई पड़ा, बाद बाकी पूरा समाज दिखाई नहीं पड़ा। इसीलिए इस समाज से हर लोग उसको जो है नेगलेक्ट कर रहा है, हर लोग एक एक बच्चा तक नेगलेक्ट कर रहा है। बस यही आपसे हम आज काफी समर्थन दिख रहा है, काफी लोग साथ में है, काफी लोग साथ में रहने के कारण है कि बच्चा लोग इसका जो है विरोध कर रहा है सीमा सा का। और इस बार पता नहीं यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा उसके प्रति जो है ना नफरत का पैदा अपने अंदर में डाल रखा है, इसीलिए कि इस बार वसुंधरा जो है जीत रही है और अच्छे वोट से जीत रही है। पढ़ी लिखी लेडी है, अब जो भी IAS आएगा वो इसके नीचे रहेगा IAS, और वो IAS का बात समझेगा, इसका बात समझेगा, ये IAS को डिक्टेट करेगी। वो तो जैसा चलाई वो तो आप देख ही रहे हैं। भागलपुर की जनता ने मन बना लिया है कि हम बदलाव करेंगे, ये बदलाव के लिए भागलपुर की जनता मन बना रही है। डॉक्टर वसुंधरा लाल ये डॉक्टर है, पढ़ी लिखी लेडीज है, और भागलपुर की जनता चाहती है कि मेयर जैसा पद एक पढ़ी लिखी प्रतिनिधि के हाथों में होना चाहिए, क्योंकि मेयर के नीचे जो नगर आयुक्त होते हैं वो IAS होते हैं, IAS की बात को समझने वाले मेयर होना चाहिए, IAS की बात साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागलपुर का विकास करने वाली की आज आवश्यकता है। समय भागलपुर की जनता ने ये मन बना लिया है, हम इसका बदलाव करेंगे और नया मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल को चुनेंगे। हम भागलपुर वासियों से ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको भागलपुर के लिए सोचना है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी समुदाय के लिए नहीं। अगर भागलपुर का विकास चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि भागलपुर का विकास कौन कर सकता है। भागलपुर का विकास एक पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है, एक समझदार आदमी कर सकता है, एक निर्विरोध आदमी कर सकता है, जो भागलपुर की जनता को प्यार करे, अपने शहर को प्यार करे, अपने शहर को समझे। देखिए, माहौल किन्हीं के भी पक्ष में बने, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये इस बार जो मेयर की लड़ाई है भागलपुर में, यह भ्रष्टाचार बनाम भागलपुर के विकास की लड़ाई है। यह लड़ाई है उन लोगों से जो लोग किन्हीं भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और आज वही लोग एक संगठन एक ग्रुप बनाकर कहीं ना कहीं भागलपुर को फिर से पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक ऐसे प्रत्याशी के साथ दिया है जो वाकई में भागलपुर पे एक प्रतिष्ठित समाज से आती है, एक प्रतिष्ठित घर से आती है, और उनके पास कहीं ना कहीं विजन है। और विजन ये नहीं मैं बोलना चाहूँगा कि कोई ऐसा विजन है कि वो भागलपुर का कायाकल्प कर देगी, लेकिन उनके पास एक ऐसा विजन है जो कहीं ना कहीं वो भागलपुर को आज की स्थिति से उठा करके आगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगी, जिससे कहीं ना कहीं मैं यह कहना चाहूँगा कि भागलपुर का मान और सम्मान बढ़ेगा।
आज तक आपने देखा होगा कि भागलपुर में का ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व किया है जो कि कहीं ना कहीं हमारा सर कई बार शर्म से झुका है। लेकिन मैं इस बार कहना चाहूँगा, भागलपुर की जनता से मेरी यही गुजारिश है कि आप एक सच्चे प्रत्याशी को, एक योग्य प्रत्याशी को भागलपुर का मेयर बनाएं। इसी से भागलपुर का विकास होगा। ना कोई जात है, ना कोई पात है, सिर्फ और सिर्फ भागलपुर में वसुंधरा लाल का नाम है। आपने गंभीर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए फिर से लोग एकजुट हो गए। बिल्कुल चाहिए, ये बिल्कुल है, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो यहाँ के अखबार वाले कह रहे हैं। मेरे पास कई ऐसे अखबार हैं कि निगम के पैसे का कहीं पे अपने पर्सनल यूज के लिए किया रहा है, निगम की गाड़ियों को अपने पर्सनल यूज में लाया जा रहा है। निगम में आज तक आपने देखा है पिछले 5 साल में कम्बल को बांटने वाला तक कोई नहीं है। क्या गरीबों को इतना सा भी हक नहीं था? आप ये देखे, आज हम दक्षिणी क्षेत्र से गुजर रहे हैं। यह क्षेत्र कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का है जहाँ से पिछली बार इन्होंने मेयर दिया था। मेयर का प्रत्याशी फिर से वही लोग आए। आपने देखा होगा जहाँ से मेयर का प्रत्याशी आया है फिर से उनके वार्ड 50 नंबर की क्या दुर्गति है। और यही लोग अभी क्या कह रहे हैं भागलपुर शहर में कि हमें एक और मौका दीजिए, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। अरे भैया, किन गलतियों को आप सुधारेंगे? आपने तो गलतियों का अंबार कर रखा है। आपकी नियत कभी काम करने की नहीं थी, नहीं तो आपको भागलपुर ने मेयर बनाया था। और आप एक वार्ड का विकास नहीं कर सकते, आप पूरे भागलपुर की बात करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं कहना चाहूँगा इस बार भागलपुर के आम जनता से, आम लोगों से, कि बिल्कुल एकजुट होके आगे बढ़ के वैसे उम्मीदवार को जिताने का काम करें जो भागलपुर के योग्य है, भागलपुर के विकास की बात करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, वैसे लोगों की बात हो। इस बार आपको दक्षिणी खंड के मतदाताओं का उत्साह और भीड़ यह बता दिया होगा कि वसुंधरा लाल को जीतने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती है। पूरा दक्षिणी क्षेत्र एकजुट, एक मत, टमटम छाप के लिए, मर मिटने के लिए तैयार है। माहौल तो एक तरफा है, यहाँ 90%+ वोट डॉक्टर वसुंधरा लाल के पक्ष में एकजुट है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है इस एकजुटता को तोड़ दे। और दक्षिणी खंड का यह सौभाग्य है कि पहली बार दक्षिणी क्षेत्र का कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण पद महापौर पर बैठेगी। बनने के बाद ये जो जाम की स्थिति है ये खत्म हो जाएगी, ये नहीं रहेगी। क्या लग रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? पूरा पूरा पूर्ण समर्थन है, पूरा जनता हम लोग के साथ है। दक्षिणी खंड के मैं दावा करता हूँ, यहाँ हम लोग 35,000+ वोट इस पार लाएंगे हम लोग इस ईश्वर नगर मंडल में। ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है, जनता का रुझान देख के पता चलता है। पूरी जनता पूर्व के महापौर से बहुत ही दुखी है कि शहर की बदहाली 5 वर्षों में कुछ नहीं ठीक हो पाई, स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। और हम लोग दक्षिणी क्षेत्र के लोग खासकर बहुत ही उपेक्षित रहे हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी योजना के तहत हम लोग को नहीं रखा गया, जबकि हमारे इसी दक्षिणी क्षेत्र से 50 नंबर वार्ड से वो पार्षद बन के महापौर बनी थी, लेकिन हम लोग के दक्षिणी क्षेत्र का कोई काम नहीं हुआ। इसलिए हम दक्षिणी क्षेत्र की जनता एक मुश्त 90% से ज्यादा लोग डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ हैं। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? हम भाई वसुंधरा लाल जी के तरफ से हैं। दक्षिणी क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है, उसको देखते हुए हम इनके साथ में हैं, वसुंधरा लाल जी के साथ में हम उनके सपोर्ट में हैं। वो दक्षिणी क्षेत्र ही उनको विजय का झंडा फहराएंगे। दक्षिणी क्षेत्र के तरफ से ही उनको विजय का झंडा फहराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और वो हम लोग सफल होंगे।